ਨਿੰਦਰ ਕੋ ਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੇ ਜੀ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੱਸੀਆਂ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਣੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਸ ਪੰਜ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों संगियों साथियों के आले ठीक ठाक हो सारे उम्मीद करना ठीक हो सो जी ते तुसा सारियां इस्लामाबाद जड़ाया है रोशनियां आला उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगा आला सोहनिया सोहनिया मार्केटा आला ते साफ सुथरिया रोडा आला इस्लामाबाद तो सारे तख्या उसी अज मैं तुसा किनी ते जुलिया एक जगह जिसना ना है जी शाह अल्लाह दिता ने गार जिन्हें बुधा गार भी आख्या जाना है बरकैफ ज़्यादातर जड़े मशहूर है शाह अल्लाह दिता गार ने नाए सो मशहूर है जी ते अच्छा जुले हाँ सफ़र शुरू करने हैं ताकि सफ़र जड़ा ख़त्म ही हो असं पहुँची जुलां जल्दी जल्दी क्योंकि शाम ना टाइम आ ते नेरा पैने से पहले पहले पहुँची जुलिए जी इस्लामाबाद सो F72 सो तकरीबन अगे इस तरह 14 किलोमीटर सफ़र आ तो कच्ची जी भी रोड या काफ़ी सारी रस्ता बड़ा ज्यादा खराब आ फाइनली असं पहुंची आए हैं जी फाइनली जी पहुंच गए शाह दिता केव्स मोटरसाइकिल खिलाने कुरे फिर बाकी जरा ग्रां है जी शाह अल्लाह दिता एक बुजुर्ग से कोई थे उन्होंने दरबार भी थे मौजूद ही है उन्होंने नया पर ग्रां पूरा इतना बसना पे जी ते ये जड़िया पहाड़ियाँ इन्हें कि शाह अल्लाह दिता दी पहाड़ियाँ आखिया जानिया इन पहाड़ियों जड़े गार है तकरीबन इन्होंने जड़ी तारीख है वह तकरीबन 2.5 साल जड़े ना कोई 2,500 साल पुरानी है जी यानी ये जड़े पहा गार है ये जी कोई 2,500 साल पुराने है जी बरगद ने दरख्त ते इन्हें दरख्तों दी पुरसरार किस्म दी लटकनियाँ शाखा इन्हें विच मौजूद है गार सबसे पहले इतने जड़े बुत मत ने लोग आए से जी उन्हें इतने बसेरा किया सा क्योंकि इन्हें गारा ही उन्हें सो पहले जड़े महात्मा बुत से उन्हें इत अपनी जी कोई प्रस्तश या पूजा वगैरह जी इत करने होने से ते उस तो बाद जी फिर वक्त गुजरना गया आस्ते आस्ते ते हिंदू जड़े वे वो अच्छी इतने आबाद हो गए उन्हें इतने डेरे डाले कोई तकरीबन 700 साल पहले ये जगह सी इसने ना चेंज करी ना ते कड़ियाला रखी सटिया जी ग्रहण ना कड़ियाला रखी सटिया ने इस जगह का ना ते काबल सुई ना तो टैक्सला जाने जड़ा रस्ता सा वो इतों ही निकलना होना सा ते बड़ी तारीखी जी जगह ही है ते शेर शाह सूरी ते सिकंदर आजम तो और भी बहुत सारे जड़े मुगल बादशाह से जदों अफगानिस्तान ने रास्ते हिंदुस्तान जाने उनसे तो इतों ही नंगी तो जाने होने से जी क्या गल है जी क्या बात है ते एक गार है जी इसने अंदर गार तो काफ़ी सारे काफ़ी इसने नेरा आया ते रोशनी इसने अंदर को नहीं मोबाइल ने लाइट ऑन की थी ते तुसें दसना है अंदरों आने जी राती इत्थे कोई सरगोशियां दी आवाज़ां भी हसियां अगर राती तुसें इत्थे अच्छो ते कोई तुसें ना किनी तुसें की आवाज़ भी देना ते तकने आ साथ दस पंज कोई आवाज़ हसदे सी कोई ख्याल है इत्थे कोई रहना कोई चीज नजर आ रही कोई भी नहीं दिसना पे चलो तक नहीं आगे चुने शहर कोई इस पास है थोड़ी ज्यादा जिस टाइम रात हो जानी शायद उस टाइम जरा कोई चीज शायद
कैमरा पौने की कोशिश करे जो चीज असें दिसनी ना हो। लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं जी, चलो बाहर निकले हैं। फिर बाहर काफी रौनक मेला इस टाइम, इतवार आ संडे आ, लोग जड़े ना काफी सारे बड़ी जबरदस्त है, समझी कहना एक पिकनिक पॉइंट भी आ। खाने पीने का बंदोबस्त आया इतना, होटल शोटल भी थे छोटे मोटे, ते लोग शोक जिस टाइम अच्छे ते तखने वाली जाइए जगह है जी, कुछ मौका मिले तो जरूर अच्छे तखे अच्छी जाइए। थोड़ी इस्लामाबाद से बाहर निकली तो इस्लामाबाद नहीं रोशनियां, इस्लामाबाद नहीं ट्रैफिक से बाहर निकलो जदू ये जिथे गार है थोड़े जे, फिर इस तू अगे जाओ अपा दी चढ़ाई जी अच्छी अपर चढ़ी जाओ, बड़ी जबरदस्त जगह ही है उत्थे, बड़ा जबरदस्त किस्म दा व्यू आ उत्थे, थल्ले जड़ी जगह तुसें नज़र आ रही है पहाड़ी से थल्ले जड़ी है, इत्थे लोग बैठे रोटी शोटी भी खाने जी। ते ये सड़क है जड़ी इत्थे जी है तकरीबन इत्थे इसना इख्तिताम होई जाना। ते माड़ी गल ए इस इलाके नी, इस इलाके ने लोगों वास्ते कि सड़क जड़ी है वो माड़ी है, दूआ बिजली की जी सहूलत है वह भी कोनी, तो बिजली ना होने की वजह से जरा ना ये काफ़ी पसमंदा जहा इलाका आ, काफ़ी जरा ना लोग परेशान है, अल्लाह पाक इन्हों परेशानियां दूर। इत सदक साहब है जी दोस्त है, इन्हें भी बड़ा शौक होना एडवेंचर ना, तो अज इन्हों भी एडवेंचर ना सारा भी एडवेंचर ना शौक पूरा होया, मजा आया जी। असा कि मौसम भी काफी खराब हो गया, एक दफा दोए परेशान हो गए असा के शायद काफी जोर ना तूफान या बारिश आ जाए, ते सर्दी भी काफी है, तखो लाया वा सदक साहब तो जगाल लाया वा कोट शोट। अच्छा इत जरा आए ना कोवाली आले भी वह भी महफल लाई रखने, ते असा ही दो इजाजत अल्लाह हाफज, तुसा थोड़ी कवाली सुनो महसूस हो। मेरी बंदगी।